इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की बनेगी सरकार। बीजेपी और जेडीएस दोनों पार्टियां शिकस्त से होंगी दोचार। एआईसीसी अकलियती शोबे के कोऑर्डिनेटर रऊफ मोहम्मद आसिफ का बयान। बेंगलुरु में खास बातचीत के दौरान रऊफ मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इस बार अवाम का फैसला कांग्रेस के हक में होगा। कर्नाटक से कांग्रेस की लहर शुरू होगी, अब पूरे मुल्क में तब्दीली आएगी। रऊफ मोहम्मद आसिफ ने अकलियतों खासतौर पर मुसलमानों से अपील की कि वो अपना वोट तकसीम होने न दें। चंद हलकों पर एक से ज्यादा माइनॉरिटी उम्मीदवार खड़े हैं, ऐसे मकामात पर सोच समझकर फैसला लें। जुनूबी न्यूज़ से रऊफ मोहम्मद आसिफ की खास गुफ्तगु। इस बार कांग्रेस विधानसभा जा रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और जो जो अपने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेगी। ग्राउंड रियलिटीज आपको भी मालूम है, आप भी कॉमन मैन हैं, आपको भी मालूम है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और विधानसभा में हमारी सरकार बैठेगी और जो जो गलतियाँ हुई हैं बीजेपी से उसको सुधारने का पूरा काम करेगी। 224 में से कितने कांग्रेस? 224 में 120-130 के करीब हमारे एमएलए होंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि सर आपको मेजॉरिटी मिलेगी? कांग्रेस ने काम किया हुआ है और बीजेपी के नुकसान की वजह से, बीजेपी ने जो नुकसान किए हैं आम आदमी के लिए, जनता के लिए, इस पर कांग्रेस को वोट मिलेगा। कांग्रेस ने पहले भी डेवलपमेंट की है, 65 सालों से ज़्यादा से भी डेवलपमेंट की है सेंट्रल में और स्टेट में भी। लोग आज कांग्रेस को प्रेफर कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। वो तो पोलिंग के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, 10 तारीख को सब चीज़ कांग्रेस के हक में आएगी और 13 तारीख को आपको नतीजे मिल जाएंगे। इन नतीजे में आपको सरप्राइज रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन सरप्राइज बीजेपी के लिए भी है क्योंकि उन्होंने जो है गुजरात के पैटर्न पर कर्नाटक में टिकट दिए हैं, तो क्या सरप्राइज बीजेपी के लिए भी हो सकता है? नहीं, कोई सरप्राइज बीजेपी के लिए, यही एक सरप्राइज है कि वो जो है ना 60 और 70 के बीच में उनकी गिनती ख़त्म हो जाएगी और ये जो बगावत यहाँ से शुरू हुई है जगदीश शेट्टर और लखमन सवड़ी के जैसे बड़े दिग्गज नेताओं की वजह से जो पार्टी छोड़ कर आए हैं, लिंगायत कम्युनिटी को भी जो बेइज्जती की गई है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा और सरप्राइज, यही एक उनके लिए सरप्राइज होगा। गुजरात में भी उन्होंने दिग्गज नेताओं को टिकट नहीं दिया, इसके बावजूद वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत बना चुके हैं। गुजरात और कर्नाटक में सिचुएशन अलग अलग है। गुजरात के अंदर लोग दबते हैं, दबाए जाते हैं, कर्नाटक के अंदर इस तरीके की सियासत नहीं होती। जो बगावत यहाँ से शुरू हुई है बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में हर स्टेट में बगावत होगी और ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कल मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर जोशी साहब के लड़के कांग्रेस में आए हैं उनको छोड़कर। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के अंदर भी पुराने मांग के अध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष जो है वो भी कांग्रेस में आ चुके हैं। ये शुरुआत है, अभी कई लोकसभा एमपी से रिजाइन भी करेंगे। अभी नेक्स्ट झटका उनको इसमें मिलेगा, बठिंडा में जहाँ पे लोकसभा इलेक्शन चल रहा है इस बार। वजीर आजम जात पर जो है वोट मांग रहे, इकट्ठा करने, इन लोगों के वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह अमित शाह के रोड शो हुए हैं, पीएम मोदी के रोड शो हुए हैं और काफी जोर उन्होंने लगाया है इस नाता पर। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से कैंपेन नहीं किया है, ये उनका डेस्परेशन है। ये डेस्परेशन की वजह से यहाँ पर वो पूरा हिंदुस्तान छोड़कर कर्नाटक के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ मणिपुर जल रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कर्नाटक में दंगे कराने की बात
ओपनली बोल रहे हैं, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता, कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और नेता हो। सीधे इस तरीके के स्टेटमेंट पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और एक्शन फॉर एक्शन लेना चाहिए। इस इलेक्शन में आपको क्या जिम्मेदारी दी गई? मुझे हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब की सदारत में होसपेट और उस आसपास के इलाकों की अब मुझे जिम्मेदारी गई दी गई थी। मैं वहाँ पहुँचा, ग्राउंड रिपोर्ट अच्छा है, वहाँ पर हमारे कैंडिडेट गवी अप्पा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आनंद सिंह की बहन रानी, वहाँ की जो रानी है वो कांग्रेस में आई हैं और वो कांग्रेस के लिए बहुत जोरों से काम कर रही हैं और अपना मन अपने मन और अध्ययन के साथ में वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी है आपके मुताबिक? जी। तो यहाँ बेंगलुरु का क्या हाल है? बेंगलुरु के अंदर भी कांग्रेस को 17 सीट जीतने की उम्मीद है और सबसे ज्यादा सीट तो कांग्रेस ही जीतेगी बेंगलोर सिटी के अंदर। और कई जगहों पे मुसलमान मतलब माइनॉरिटीज के मल्टीपल कैंडिडेट्स दिए गए हैं, जैसे कि सर्वगंगा नगर है, चिकपेट है, इस जगहों पर मेरी एक ही एडवाइस है कि आप अपना वोट ना बांटें, आप अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें और उनको कामयाब कराएं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आएगी और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि चिकपेट में बहुत सारे स्लम्स हैं, ये स्लम वर्ड नहीं होना चाहिए, अल्फाज स्लम का नहीं होना चाहिए, सिटी के अंदर उसको डेवलप करने का काम होना चाहिए, तो ये कांग्रेस सरकार ही करेगी। चिकपेट में हम देखते हैं कि जेडीएस से मुस्लिम कैंडिडेट है, माइनॉरिटी कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर वोटों की तकसीम का पूरा अंदेशा है जी। अब इलेक्शन कंटेस्ट करने का सबको हक है, सब कर रहे हैं, लेकिन वोटर जो हैं वो सही तरीके से वोट करें तो कांग्रेस की जीत जरूर। सर्वज्ञा नगर का क्या हाल है सर, क्योंकि आपका ताल्लुक उस हल्के से रहा है, वहां पर भी जो है कई माइनॉरिटी कैंडिडेट एक माइनॉरिटी कैंडिडेट के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अगर माइनॉरिटी करके टर्म लगाएं तो आप माइनॉरिटी का टर्म जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए लगता नहीं है, क्रिश्चियन हैं बहुत सारे और दूसरे कम्युनिटीज भी हैं, ये सब माइनॉरिटीज में भी आते हैं। और केजे जॉर्ज सर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं और माइनॉरिटी माइनॉरिटी को डिफीट करने के लिए ये साजिश की गई है और ये साजिश में कोई कामयाब नहीं होगा। जबकि कुमार स्वामी जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में यही दिया है कि जहां जहां वीक कैंडिडेट है जनता दल से वो जाकर कांग्रेस के लिए काम करें, वोटर्स के लिए उन्होंने ताईद भी दी है, रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अपना वोट कांग्रेस को दे दें बजाय जनता दल के, उनका कैंडिडेट वीक है। तो मुझे इस हिसाब से लगा कि जनता दल का कैंडिडेट सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर मुस्तफा सर्वज्ञा नगर के अंदर हैं, उनको जो है अपनी पार्टी हाईकमांड की बात सुनकर कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। आखिरी दो दिन है, इस दो दिनों में कांग्रेस के लिए वो सपोर्ट करें, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि सर्वज्ञा नगर में चंद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है मुस्तफा साहब का सपोर्ट किया है, जेडीएस का सपोर्ट किया है उनका, तो इससे असर होगा? जी कोई असर नहीं होगा, हमारा डेवलपमेंट के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो पिछले 3 बार जॉर्ज साहब इलेक्शन नहीं जीतते थे और हर बार उनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है, 22,000 से 23,000, 23,000 से सीधे 54,000। सर यहाँ पर हम देखते हैं सर्वोदय नगर में कांग्रेस से माइनॉरिटी कैंडिडेट है, जेडीएस से माइनॉरिटी कैंडिडेट है, बीएसपी से माइनॉरिटी कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी से माइनॉरिटी कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे माइनॉरिटीज के वोट अगर तकसीम हो जाएंगे तो बीजेपी को यहाँ पर फायदा दिखाई दे रहा है? नहीं, वोट किसी तरीके से तकसीम नहीं होगा, सब कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वोट उनको जो सोच रहे हैं, जो वो अपने का उसमें जो भी उन्होंने जो मंसूबे से उन्होंने कैंडिडेट डाले हैं
उस मंसूबे में कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। खासतौर पर मुस्तफा साहब बहुत पावरफुल तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, पैसा खर्चा करने से पावरफुल नहीं बन जाते। लोगों से पहले आकर आप 5-10 साल काम करें, फिर आप वोट मांगें, इस बजाय के कि आप मुझे आज वोट दो मैं कल काम करूंगा, ये तरीका नहीं है। जार साहब वोट बेसिस अपने डेवलपमेंट पे मांग रहे हैं। उन्होंने काम किया है, जहां पर 800 रुपए स्क्वायर फीट हुआ करता था आज 10,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया है। जहां पर 1200 रुपए 1500 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा था मेन रोड के अंदर, आज 15,000 हो गया है। ये डेवलपमेंट की वजह से ही हुआ है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जार साहब ने लेकर आया ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और ड्रेनेज सिस्टम बनाया। पानी की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी। स्ट्रीट लाइट्स उन्होंने सभी जगहों पे स्ट्रीट लाइट्स लगवाए। गोविंदपुरा के अंदर उन्होंने स्टेशन खुलवाया, रोडिज्म बंद हो गया। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं एक आम आदमी के लिए। तो इस हिसाब से जो उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, उसी हिसाब से उनको वोट भी मिलेगा। और पिछले इलेक्शन में भी जो है देखिए, पिछले इलेक्शन में या उससे पहले के 2008, 2013, 2018 और 2024, ये चारों इलेक्शन के अंदर जनता दल से मुसलमान कैंडिडेट ही आए हैं, और चारों मतलब अलग अलग कैंडिडेट आए हैं, कैंडिडेट रिपीट नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट को वहां एक्सेप्ट नहीं करते, माइनॉरिटीज को, एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करती, मुसलमान खास करके नहीं एक्सेप्ट करते। मुसलमानों को डेवलपमेंट चाहिए, ये अच्छी तरीके से मुसलमान तबके में बहुत डेवलपमेंट किया गया है। सबसे ज्यादा फंड मुसलमान तबके में अलॉट किया गया है, और स्कूलों को तो मॉडर्नाइज किया गया है। जवाहर साहब की अपनी फाउंडेशन से, सर्वज्ञ नगर यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन से, उन्होंने बहुत सारा फंड अडॉप्ट, स्कूलों को अडॉप्ट करके मॉडर्नाइजेशन किया हुआ है। आज हर स्कूल के अंदर उन्होंने डिजिटल क्लासरूम बनाए हैं। और इससे पहले के जो 2013 से पहले, उन्होंने हर स्कूल को फंड देकर बेंच, ब्लैक बोर्ड, टेबल, अलमेरा, ये सब चीजें उन्होंने मुहैया करवाई हैं। और ये सब चीजें लोगों को याद हैं। तो आपके मुताबिक क्या नतीजा होगा सर्वज्ञ नगर? सर्वज्ञ नगर में कांग्रेस पार्टी और केजे जॉर्ज साहब इलेक्शन आराम से जीतेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब दूसरे मुसलमान कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो उसे कोई वोट का बढ़ने का कोई चांस नहीं है। अच्छी लीडिंग, अच्छी मार्जिन से जीत कर आएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक और एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। गुलबर्गा में जो है वोट तकसीम होते हुए दिखाई देते हैं, आपके कांग्रेस के कैंडिडेट को वहां पे मुश्किल का सामना है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। जी, ये बात तो है, लेकिन देखिए फिर से वही बात आती है कि अब नासिर उस्ताद वहां पर खड़े हैं कनीस फातिमा के खिलाफ, तो इस वजह से जो है ना वोट का बटने का ये है। एसडीपीए है, एमआईएम है, सभी मुसलमानों का वोट डालकर, अपने कैंडिडेट डालकर उनको वोट को डिवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। बस मैं यही है आम वोटर से, जनता से यही गुजारिश करूंगा कि अपना वोट सोच समझ कर सही कैंडिडेट को देकर उनको जिताइए। आप अपने जज्बात में ना जाएं, कौमी जज्बात और सियासी जज्बात को अलग रखें, डेवलपमेंट के लिए वोट डालें, करप्शन फ्री स्टेट के लिए वोट डालें। आज की डेट में सर्वे के हिसाब से 40% लोग चाहते हैं कि सिद्धरामैया जी सीएम बने, बोम्मई जी को 22% मिला है, डीके शिवकुमार जी को 4% मिला है। अगर 40 और 4% मिल गया तो 44% लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट डालें, और इस बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेंगे, और बीजेपी को बहुत बुरा तरीके से झटका लगेगा। पुलकेशी नगर के हालात को आप कैसे देखते हैं? वहां पर जो है आपके
कांग्रेस के एमएलए रहे वो बागी बनकर बीएसपी के कैंडिडेट बन चुके हैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति और टफ फाइट दे रहे हैं कांग्रेस से। जी फाइट तो बीएसपी और कांग्रेस की है और आखिर में रिजल्ट का दिन जीत कांग्रेस की होगी, इसलिए कि वहां के आलिम वोटर्स कांग्रेस पार्टी से ये मांग कर रहे थे कि कैंडिडेट बदलें। तो पार्टी हाईकमांड ने मुसलमानों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए कैंडिडेट बदला, उनको ऑब्लाइज किया, तो फिर से मुसलमान वोटर्स का यही फर्ज बनता है कि वो भी पार्टी को ऑब्लाइज करें और एसी श्रीनिवास को वोट डालकर जिताएं। उल्केशनगर में एसडीपीआई भी है। जी एसडीपीआई भी है, वो जी एसडीपीआई बीजेपी है, ये सब जो है मार्जिन प्लेयर्स हैं, एक मार्जिन पे साइड में रहेंगे। फाइट तो कांटेस्ट तो अखंड श्रीनिवास मूर्ति और एसी श्रीनिवास के बीच में है और एसी श्रीनिवास इस बार कामयाब रहेंगे। जहाँ माइनॉरिटी कैंडिडेट जीते हैं, शिवाजी नगर है, चामराजपेट है, शांति नगर है, यहाँ का क्या हाल है सर? जी ये सभी कैंडिडेट जीतेंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है और ग्राउंड रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, तो हमने वहां पर जाकर भी कैंपेनिंग किया हुआ है, तो लोग यही ओपिनियन देते हैं कि हर तबके के लोग, ना मुसलमान ही नहीं, हर तबके के लोग चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट से बहुत बेजार हो चुके हैं, तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बन जाए, 5 साल चलेगी, ये 2.5 साल में 2 CM बदल चुके हैं, अगर उनको 5 साल का टर्म मिलता तो हो सकता है 3 या 4 CM बन सकते हैं बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सीएम रहेगा, पूरे 5 साल पूरा करेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पाबंदी की बात कही गई है, तो बीजेपी इस इशू को उठाकर फायदा उठाने की कोशिश करेगी? जी कोई इशू ये बजरंग दल बैन करने का कोई इशू नहीं है, बजरंग दल को मानने वाले उसको पूजा करने वाले कांग्रेस के अंदर भी हैं और बीजेपी सबसे ज्यादा बजरंग दल के बजरंग मतलब हनुमान की 3000 पुरानी मंदिर तोड़ी उन्होंने, 150 साल पुरानी मंदिर उन्होंने तोड़ी, पूरे कुल मिलाकर 1500 टेम्पल्स मंदिर उन्होंने तोड़े हैं उनके 3.5 साल की पीरियड में, तो इसका कोई आप उनसे भी इस बात का सवाल करें और उनसे भी उसका क्लैरिफिकेशन लें। आखिर में क्या मैसेज पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए यही एक मैसेज है कि आप करप्ट फ्री डेवलपमेंट के लिए, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कांग्रेस को वोट दें और अपना वोट बहुत कीमती है, जाया ना करें और अपना वोटिंग के दिन जाएं सवेरे सवेरे, अपना वोट डालें सही कैंडिडेट को और वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के हित में, कांग्रेस के हक में बढ़ाएं। थैंक यू सर।